हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। इंस्टा पे मेरी आईडी है सिमी 9356। एक और आईडी है जिसका नाम है सिमी टैरोट 1972। रीडिंग शुरू करेंगे। आज रीडिंग होगी पिक का पाइल रीडिंग आप लोगों के लिए, और आपके पर्सन की करंट एनर्जी एंड थॉट क्या है। अभी मैंने आप लोगों के लिए तीन पाइल रखी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अगर आपको कार्ड का नहीं समझ में आ रहा तो ये आपकी आप हार्ट की ये जो पिक्चर्स रखी हुई हैं, इन हार्ट के इमेज को भी पसंद कर सकते हो। जिसको आपको दिल कर रहा है कि मुझे ये अच्छी लग रही है, मुझे ये अच्छी लग रही है, मुझे ये अच्छी लग रही है, आप इस तरीके भी सिलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि कुछ लोग कार्ड को देखते सिलेक्ट नहीं कर पाते तो वो कंफ्यूज रहते हैं। तो आई होप आप लोगों ने अपनी अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली होगी। तो नंबर 1 पाइल ये वाली है, और हम इन दोनों पाइल को साइड पे करते हैं और हम पहले पाइल 1 लेंगे। ओके, तो मैंने ये पाइल साइड पे कर दी है अभी, और ये एनर्जी ओरेकल डेक मैंने साइड पे कर दिया। तो जिन्होंने ये हार्ट सिलेक्ट किया रेड वाला, उनकी रीडिंग हम शुरू करते हैं। क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी एंड थॉट। सबसे पहले ओ माय गुडनेस, 8 ऑफ वैंड। आपको बहुत जल्दी आपके पर्सन कॉल करने की सोच रहे हैं, बहुत जल्दी। पहला ही कार्ड, अगर आप मिस कर रहे हो कि बहुत दिनों से उनका मैसेज, उनके कॉल नहीं आया, आपके पर्सन का कॉल मैसेज आपके आने वाला है, और बहुत जल्दी आने वाला है, इसी रीडिंग को दौरान भी आ सकता है। सेकंड, द मून, इस इंसान को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। हो सकता है इन्होंने आपसे कुछ बातें छुपाई हैं जिसकी वजह से ये परेशान है, और आपको ये फोन करके यही बातें बताने वाले हैं। जहां तक मुझे लग रहा है, इन्होंने जो भी बातें आपसे रिवील नहीं की, जो बातें नहीं बताई, वही बातें ये इंसान आपको बताना चाहता है। द स्टार, कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन रंग ला रही है। हो सकता है आप जाने अनजाने मैनिफेस्ट कर रहे हो इनको लाइफ में, और ये इंसान भी करता है। आप तो शायद याद करते ही करते हो, बट ये इंसान भी आपको याद करता है। और नीचे आया 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है ये इंसान, आपको चीट नहीं करना चाहता आगे। अगर इसने अभी तक किया भी है तो अब आगे और धोखा नहीं देना चाहता। ओह, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया, जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं डेस्टिनी इनको दोबारा आपके सामने लेके आ रही है। कहीं ना कहीं डेस्टिनी इनको फिर से आपके दरवाजे पे लेके आएगी। जो भी इन्होंने आपसे झूठ बोले हैं, हो सकता है किसी परेशानी में आके बोले हैं, वो भी हम देख लेते हैं। 5 ऑफ वैंड, हो सकता है आपके घर वालों से इनका झगड़ा हुआ और उन्होंने मना किया है आपको इनसे बात करने के लिए। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 5 ऑफ सोर्स, सोशल मीडिया पे ये इंसान आपको फॉलो करता है। हो सकता है आप सोशल मीडिया पे काम करते हो, हो सकता है आप भी टैरो कार्ड रीडर हो, रेकी करते हो, हीलिंग करते हो, कुछ ऐसा काम है। हो सकता है आपके कोई दूसरे यूट्यूब चैनल भी हैं। डेथ, आपको लग रहा है ये रिश्ता डेथ हो चुका है, रिश्ता दोबारा नहीं बढ़ेगा। 6 ऑफ सोर्स, ये इंसान मुझे धोखा दे के जा चुका है, बट ये इंसान आपके साथ कॉन्टेक्ट करने की सोच रहे हैं, आपके पास ये इंसान दोबारा आने की सोच रहे हैं। आज तक ये जो दो कंडीशन में परेशान थे उसमें से ये निकलना चाहते हैं, और ये इंसान बड़ी जल्दी आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। सबसे पहला मैसेज ही हमें ये आया, पाइल 1 आपके लिए खुशखबरी है कि अगर ये इंसान आपके साथ रिश्ता खत्म करके भी गया था, आपको इसने धोखा दे के भी गया, तो अब कर्मा इसको कहीं ना कहीं आपके दरवाजे पे लाके दोबारा खड़ा करेंगे। एनर्जी ओरेकल डेक से देख लेते हैं। सबसे पहला कार्ड, ओ डॉट टू रोमांस, तो आपकी जिंदगी में रोमांस आ रहा है। पाइल 1, आपकी जिंदगी में ये मत सोचो कि अब जिंदगी बोझिल हो गई है, मैं जिंदगी नहीं जी सकती, मैं टूट गई हूँ, मैं हार गई हूँ, ऐसा मत सोचो। एंड द सेकंड इन डॉट टू वैल्यू, दोनों कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। जो भी ये रीडिंग देख रहा था, अगर आप जॉब से भी परेशान हो तो आपको जॉब लगने वाली है, आपकी जिंदगी में प्यार आने वाला है। इतने बड़े डेक में से दो में, ओ देखिए, और बॉटम में रूल कर रहा है केयरिंग कनेक्शन। तो ये जो आपके पर्सन है ना, पाइल 1 आपके लिए तो रीडिंग बहुत अच्छी है कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करने की सोच रहे हैं, ये इंसान आपको फोन मैसेज करने की सोच रहे हैं, और ये इंसान को डेफिनेटली फोन मैसेज करेंगे। ओके, और अगर ये इंसान ये भी बोल देता है, अगर किसी ने परेशानी की है आपके घर में से, किसी को पता चला है और उन्होंने इनको मना किया बात करने के लिए, तो ये इंसान वो भी आपको बताएंगे। मुझे यही डाउट हो रहा है कि घर वालों ने मना किया है, और अगर कोई इंसान ये रीडिंग इसलिए देखने आया कि वो बाहर जाना चाहता है, फॉरेन कंट्री जाना चाहता है, यस ऑफ कोर्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया, आप ट्रैवल करोगे,
आपकी अगर ये विश है कि मुझे फॉरेन कंट्री जाना है, यूनिवर्स ने पूरी कर दी है, आप लोग बाहर जा सकते हो। अगले 31 वीक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपका वीजा अप्रूवल हो जाए और आप फिर डॉलर कमाओगे। इसमें डॉलर भी है इस इमेज में, तो आप डॉलर कमाओगे, आप टेंशन मत लो। तो ये थी पाइल वन वालों की रीडिंग, शॉर्ट रीडिंग्स लूंगी मैं थोड़ी ताकि सब लोग देख सकें। ओके व्यूअर्स, तो अभी हम पाइल टू की रीडिंग लेते हैं। ये है पाइल टू, जिन्होंने ब्लू हार्ट पसंद किया, और ये रहा आपका टैरो, और हम लेते हैं इसमें से। तो मैंने डेक अलग अलग लिए हैं सबके लिए। क्या है आपके पर्सन के? ओह वाह, द हेरोफेंट, ये इंसान तो लव मैरिज करने के लिए आपको पास आने वाला है बड़ी जल्दी, बड़ी जल्दी। ये इंसान अब आपको बातों से नहीं टरकाने वाला। ये जिनके लिए भी पाइल टू है, ये तो सीधा चट मंगनी पट ब्याह करने के मूड में है। आप थ्री ऑफ पेंटिकल, ये इंसान यस ऑफ कोर्स बिगेस्ट थर्ड पार्टी में गया था, आपको इसने छोड़ा था, थर्ड पार्टी में ही गया था। हमारे पास कार्ड आया है, क्लियर मैसेज आया, ओ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। पाइल टू, पाइल वन में भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया, पाइल टू में भी आया कि कहीं ना कहीं कर्मा जो है ना। और एक बात मैं आपको बताऊं, सबसे पहले अगर कोई इंसान आपको ये कह के जाता है ना कि आप बड़े अच्छे हो, आपने सब कुछ अच्छा किया, लेकिन ये बोल के जाता है कि तुम बिल्कुल भी काबिल नहीं हो, तुम ये हो, तुम वो हो, यूनिवर्स उसको ला के दरवाजे पे आपके ही खड़ा करता है, क्योंकि घमंड तोड़ना होता है यूनिवर्स ने, घमंड किसी का नहीं रहने देता। ओ वाह द वर्ल्ड, बाहर जाना चाहते हो पाइल टू, बड़ी जल्दी वीजा प्रोसेस हो जाएगा, बहुत जल्दी नेक्स्ट 21 वीक के अंदर अंदर बाहर ट्रेवल कर सकते हो। और जिनकी शादी हो रही है, आप लव मैरिज करने वाले हो, आप हो सकता है आपके जो पहले पर्सन थे वो थर्ड पार्टी में चले गए, और पाइल टू अभी जो आपकी जिंदगी में आया वो आपसे लव मैरिज करना चाहते हैं, और वो आपको बाहर भी ट्रेवल कराएंगे। ये जनरल रीडिंग है, हर एक से सब कुछ मैच हो जरूरी नहीं है, जो आपसे मैच हो रहा है वो रखो, जो नहीं मैच हो रहा वो जाने दो। तो समय का पहिया बड़ी जल्दी घूमेगा। थ्री ऑफ वैंड, थर्ड पार्टी में से ये निकल के इंसान आपकी तरफ आना चाहता है बड़ी जल्दी, आज जिनके पर्सन थर्ड पार्टी में हैं, और हो सकता है जिनके पर्सन दूर हैं। द फूल, आज तक इस इंसान ने कभी सीरियस होकर इस रिलेशनशिप को नहीं समझा था, अपनी बेवकूफियों के कारण इसने अपनी रिलेशनशिप खराब की। फाइव ऑफ वैंड, कहीं ना कहीं आप लोगों में बहुत झगड़े हुए, बहुत ज्यादा आपने गलत भी बोला एक दूसरे को, लेकिन फिर भी आप लोगों का पैचअप हो गया। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों का पैचअप हो चुका है, आपके पर्सन आपसे बात कर रहे हैं, और कुछ लोगों की तो शादी भी फिक्स हो चुकी है जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, लेकिन आपको ये बात का परेशानी है कि ये इंसान मुझे पहले भी धोखा देके गया था, तक मैं क्या इससे शादी करके खुश रहूंगी? यस, क्योंकि हर इंसान पहले जैसा नहीं रहता। ये देखिए किंग ऑफ कप, ये इंसान सुधर गया, बॉटम में रूल कर रहा है, पर इसके दिल में सिर्फ आपके लिए ही प्यार है। नीचे देख रहे हो तो हाई प्रेस्टीज, कुछ नहीं बिगाड़ पाए बुरे लोग इनका, क्योंकि इस इंसान का प्यार सच्चा, और यूनिवर्स ने आपको मिलाया। एस ऑफ कप का कार्ड आया नीचे, तो हमारे पास जब ये तीनों कार्ड आए हैं तो इट मीन्स मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूर है खुदा होता है। तो यूनिवर्स ने ये लिखा है आप लोगों के किस्में, यू आर एम्प्रेस, एम्प्रेस हो आप, और एक तरह की एक ऐसे इंसान हो आप, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप इमेज में मत जाना, आप में वो सारी काबिलियत है जो एक इंसान में होनी चाहिए। आप, मुझे लगता है आप अपने आप में वर्किंग हो। नीचे भी हमारे पास 10 तार का कार्ड, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं आपके पाइल टू, बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं। ये इंसान आपसे रिश्ता बनाना चाहता है। जो लोग अगर मैरिड हैं, आपके हस्बैंड अगर थर्ड पार्टी में गए हैं, वो इंसान थर्ड पार्टी में से निकल के आपके पास आना चाहता है, बिकॉज द फूल, उसने सीरियसली सोचा नहीं था कि ये रिश्ता उसको कहाँ लेके जाएगा। थर्ड पार्टी के साथ इस इंसान के झगड़े हो रहे हैं, जो मैरिड है, थर्ड पार्टी के साथ इस इंसान के अब झगड़े हो रहे हैं, और उसमें से वो इंसान निकलना चाहता है, क्योंकि अब इनका अकेलापन इनको बहुत दुख देता है, और जो आपको इन्होंने दिल दुखाया वो इसे हील करना चाहते हैं। जो अनमैरिड है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, अगर आपकी पर्सन ये बोल के थर्ड पार्टी के पास चली गई कि मैं उससे लव मैरिज करने वाली हूँ, कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो अब उसके उसको अपने डिसीजन पे भी ना परेशानी हो रही है कि मैंने ये क्या कर दिया, जो मुझे सच्चा प्यार करता था उसको तो मैं छोड़ के आ गई एकदम से। तो कहीं ना कहीं गिल्टी फील तो हो रही है, चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड है, ये इंसान आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता है। और अगर आप अनमैरिड हो, डेफिनेटली फॉर श्योर ये अपनी फैमिली को मनाएंगे, और आपने जो भी यूनिवर्स से मांगा, यूनिवर्स आपको खुद ब्लेसिंग दे रहे हैं।
अभी हम ले रहे हैं एनर्जी ओरेकल डेक से, क्या आता है? द थिंकिंग वुमन, मैं यही बोल रही थी पहले कार्ड को देखते कि ये इंसान आपके बारे में बहुत सोच रहा है, बहुत सोच रही है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, बहुत ज्यादा सोच रहा है ये इंसान आपके पास। एप्रिसिएशन, और यही मैंने बोला था अभी लास्ट में कि आप जैसा इंसान इनको नहीं मिला। और बॉटम में रूल, ओ मैन होल्डिंग अ हार्ट, कि अगर ये इंसान किसी और से शादी कर भी रहा है तो इसका दिल में सिर्फ आप हो, सिर्फ आप हो। अगर आप सिर्फ ये देखने आए कि मैडम उसकी तो लव मैरिज होगी, मैडम उसने तो शादी कर ली, तो क्या वो मुझे याद करता है? यस, बिग यस, वो याद करता है और बहुत सोचता है वो आपके बारे में। क्योंकि ये देखिए, बहुत सौ में से या हजारों में से कोई दो लोग होते होंगे जिनको प्यार करके भूल जाते होगा, है ना, बट सारे लोग ऐसे नहीं होते। आप किसी के साथ कभी एक कप बैठ के चाय पी लो तो आपको वही कई सालों तक याद रहता है। तो जिस इंसान के साथ आप एक साल, दो साल, चार साल बिताते हो, तो क्या सोचते हो उसे भूल जाएगा? नो, नहीं भूलेगा। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग पाइल टू वालों के लिए। अभी हम करते हैं पाइल थ्री वालों की रीडिंग। आज मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है, आज आप बताना कि आपको कैसी लगी, क्योंकि लॉन्ग वीडियो आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बोर हो जाते हो, तो मैं आप शॉर्ट वीडियो बनवाया करूंगी। पाइल थ्री, जिन्होंने ऑरेंज हार्ट सिलेक्ट किया था, देखें आपके पर्सन की करंट फीलिंग एंड थॉट क्या है। नाइन ऑफ सोर्स, दुख है कहीं ना कहीं। ये पाइल जो है वो मैरिड लोगों के लिए आई है, कि ये इंसान मैरिड है, इसने किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाई, उनको अंधेरे में रखा, और अब ये शर्मिंदा है अपने आप से। पाइल टू, टू ऑफ कप, लेकिन आपके साथ, मतलब अगर ये इंसान मैरिड है और आपको पता है, तो आपको ये बात बता दूं कि ये इंसान आपसे प्यार बड़ा करता है, चाहे इसने आपको झूठ बोला, छल कपट फरेब किया। पेज ऑफ कॉइन, मैच्योरिटी लेवल जीरो, शादी होने के बाद भी, इस इंसान के बच्चे होने के बाद भी इसने आपको सच नहीं बताया, आपको अपनी बातों में फंसाए रखा, आप निकल ही नहीं पाए इसकी बातों से, और आपका प्यार इतना अंधा था कि आपके आंखों में ना पट्टी बंधी रही, आपने जान भी नहीं निकली, बहुत टाइम लग गया। किंग ऑफ कॉइन, कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपसे पैसे भी लिए, लेकिन अभी इस इंसान को अपने कर्मों पर शर्मिंदगी हो रही है। टू ऑफ सोर्स, और अब यह फंस गया, अपनी बीवी को सिलेक्ट करें या आपको सिलेक्ट करें, अपने पति को सिलेक्ट करें या आपको सिलेक्ट करें, इस कंडीशन में है। स्ट्रेंथ, अब इसको हिम्मत करके इसमें से निकलना पड़ेगा, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, हिम्मत करके अब इस सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। सिक्स ऑफ सोर्स, कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको धोखा तो दिया है, ये तो पक्की बात है, लेकिन उन्होंने अपना सच नहीं बताया। नाइट ऑफ कप, आपकी तरफ ये इंसान आएगा दोबारा से आपकी जिंदगी में, ये कार्ड खुद आना चाहता था। द मैजिशियन, बातों में ये इंसान एक मिनट में आपको कहते हैं मैनिपुलेट करने में नंबर वन है ये इंसान, हंसते हंसते ही कहेगा मेरे से गलती होगी, माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती की है लेकिन माफी बड़ी छोटी है। जस्टिस, और आप चाहते हो कि यूनिवर्स मुझे जस्टिस मिले, कि इस इंसान ने मेरे से बेईमानी की, मैं सिंगल थी ये मैरिड था, या मैं सिंगल था ये मैरिड थी औरत, और इसने मुझे सच नहीं बताया, इसने मुझे अपनी बातों में उलझाए रखा, और आज मेरी ये कंडीशन होगी कि मैं इसके बिना जी भी नहीं सकता। नाइन ऑफ कप, आपको और इनको भी आपके साथ बिताए हुए लम्हे बहुत याद आते हैं, आप लोग जस्टिस मांगने आए हो। पाइल थर्ड वाले जस्टिस मांगने आए, और नीचे भी टेम्परेंस का कार्ड है जो हीलिंग के बारे में बताता है, तो आप लोगों की हीलिंग हो जाएगी। द लवर, अब आप इसको गालियां दो या कुछ भी दो, प्यार तो आप भी बहुत करते हो, और जबकि द टावर आया नीचे, आपका ये रिश्ता खत्म हो चुका है, बट आप फिर भी, आपको सब कुछ सच पता चल गया है, मैरिड है, इसके बच्चे हैं, हर चीज है, पर फिर भी आप इस कंडीशन से निकल नहीं पा रहे हो, इस रिश्ते में से निकल नहीं पा रहे हो। अभी देखते हैं एनर्जी ओरेकल डेक में इनकी क्या कंडीशन है। ये इंसान तो आपके पास आएगा दोबारा, फॉर श्योर आएगा, इसने सच बता दिया, और मुझे लगता है इसने ब्लॉक नहीं किया हो, अब आप लोगों ने इनको ब्लॉक किया होगा। सेवन चक्र आर्कएंजल यूरियल आप लोगों के रिश्ते को सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एंजल की सपोर्ट है इस रिश्ते को, प्यार तो सच्चा है। ओ माय गॉड, एंजल ऑफ लव इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, देख लीजिए। तो कैसे धोखा, कैसे छोड़ दोगे आप, ना आप भूल पाओगे ना एक केयरिंग कनेक्शन, बहुत प्यार करते हो आप लोग एक दूसरे से, चाहे ये इंसान मैरिड है चाहे अनमैरिड है, लेकिन आजकल आप थोड़ा अपने माइंड को रेस्ट दे रहे हो और अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, दिस इज वेरी गुड। एंड द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग,
ये रिश्ता कहीं ना कहीं आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अब ये कभी नहीं बनेगा, नहीं ऐसा भी नहीं है, ये इंसान आपसे दोबारा, क्योंकि अटैचमेंट भी आया, ये इंसान आपसे दोबारा रिश्ता बनाएंगे और दोबारा आपसे कांटेक्ट करेंगे, और मुझे तो लग रहा है ये कांटेक्ट कर रहे हैं, आपने ही अभी इनको ब्लॉक किया हुआ, ज़्यादातर लोगों के लिए ये है। तो ये थी आज की रीडिंग, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन को दबा दो। ओके विज, बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।